कई लोग सोते सोते सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे ही बंडी पहन के बैठ जाते हैं, लुंगी और बंडी पहन के, राइट? तो इससे क्या दर्शाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सबसे पहले अपने आप को क्या समझते हैं, हम सही में सिंसियरली बिजनेस करना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं। दूसरा कि हम वेस्टीज बिजनेस को क्या समझते हैं, सही में इसे एज अ करियर समझते हैं, सही में इसे एक बड़ा बिजनेस समझते हैं, या फिर ऐसे ही चल ज्वाइन कर लिया है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट? तो दोस्तों ये आपके डिसिप्लिन के ऊपर है कि आप कैसे बैठे हुए हो। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो डिसिप्लिन के अंदर होते हैं, यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं, तो उनको देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है कि सही में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए रेडी है। क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर कोई भी आप बिजनेस कर लो या जॉब कर लो या पढ़ाई कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और डिसिप्लिन खुद से ही शुरू होती है, राइट? सो मैं एक्नोलेज करूंगा जितने भी लोग यहाँ पर 116 17 के अंदर जो भी यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं, नोट पेन लेकर के बैठे हुए हैं, तो मैं उन सभी को एक्नोलेज करूंगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे ही बैठ गया है तो मैं उसको एक्नोलेज नहीं करूंगा। बिल्कुल आप लोगों का भी स्वागत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आप हो तो आप हमारे साथ आगे बढ़ो, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़े डिसिप्लिन में आ जाइए। वन्ना जी, आप ये बीच बीच में, ये कुछ ड्राइंग मास्टर हैं जो कुछ ड्राइंग भी करते हैं, जिनकी ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो क्या आप उसको सेट कर सकते हो एनोटेशन में जाके? आपको आता है? वहां पर किसी का सपोर्ट ले लो। हाँ सर, एटॉम में जाके कहाँ जाना? एटॉम में मैं गया हूँ हाँ, और क्लियर कर दिया है, एंड यस फाइन। सेव कर दूँ। एनोटेशन में जाके आपको उसको डिसेबल करना पड़ेगा। पहले तो करना पड़ेगा और फिर डिसेबल करना पड़ेगा, फिर चाहे किसकी भी कितनी भी अच्छी ड्राइंग क्यों ना हो, वो किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेगी। कर दिया जिग्नेश भाई? नो सर, ये मैंने क्लियर किया है अभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत जगह पे है जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई, जहाँ आपने शेयर स्क्रीन किया है उस वाले पे जब आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो कुछ मेनू आते हैं और राइट साइड में 3 डॉट आ जाएंगे। डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा होगा डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशंस, उस पे आप टिक कर दीजिए। ओके करते हैं। पहले क्लियर कर दीजिए। क्लियर हो गया जिग्नेश भाई? हाँ अभी हो गया। थैंक यू। तो जिसने भी ये किया, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी 5 मिनट की वैल्यू क्रिएट की है, तो आपका धन्यवाद। जो भी ड्राइंग कर रहे हैं उनको, तो आज आप लोग डिसिप्लिन के साथ इस सेशन को अटेंड करिएगा। मैं अश्विनी सर का थैंक्स करूंगा कि आज उन्होंने मुझे चुना है एज अ होस्ट। आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को रिप्रेजेंट करने के लिए
तो दोस्तों आज आपके सामने जैसे हर मंडे किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, जैसे हमने लास्ट सुना सुनीता पीपलवा जी को सुना और बहुत सारे लीडर्स को हमने सुना, राइट? और हरेक की अलग अलग कहानी होती है, हरेक की अलग अलग चैलेंजेस होती है, हर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कोई मैटर नहीं करता है कि आप अभी क्या हो, मैटर ये करता है कि आप जाना कहां चाहते हो। और अगर आपने वो चीज को ठान लिया है और अगर आप अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के डिजाइन बना लेते हो तो 100% आप वहां पर पहुंच सकते हो, राइट? सो आज जो आपको यहां पर सक्सेस हमारे सुपरस्टार के अंदर जो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं वो एक लेडी है। और ज्यादातर लेडीजों की सोच ये होती है कि हमें जो भगवान ने इस धरती के ऊपर लाए है, भगवान ने इस धरती के ऊपर पैदा किया है, तो केवल बच्चे घर परिवार संभालने के लिए ही पैदा किया है। ऐसी ज्यादातर लेडीज की सोच होती है, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती है जो अलग सोच रखती है और उसके अंदर भी मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर लेडीज का दोष नहीं होता है, उसके अंदर ज्यादातर जेंट्स का दोष होता है। क्योंकि बचपन से जब लड़कियां घर के अंदर पैदा होती है तो बचपन से ही पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि पढ़ लिख लो और आपको चूल्हा चक्की संभालनी है, आपको घर परिवार ही संभालना होता है। तो उन लोगों का बचपन से ऐसा माइंडसेट हो जाता है और उस माइंडसेट की वजह से उनका जो रवैया होता है, उनका जो बीइंग होता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज होती है जो ठान लेती है कि मुझे ठीक है घर परिवार संभालना है मैं संभाल लूंगी, चूल्हा चक्की करना है मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे एक अपनी अलग पहचान बनानी है, इस भीड़ के अंदर मुझे कुछ अलग बन के दिखना है, कुछ दिखाना है और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना है। और ऐसी ही लेडी कुछ कर पाती है। तो आज जितनी भी महिलाएं हैं इस सेशन के अंदर, मैं चाहूंगा कि आप भी आपको अपने आप को आज जिस स्पीकर को सुनने वाले हो अपने आप को उस जगह पे रख के देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या पावर है और आप कैसे इस पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वेस्टीज बिजनेस के अंदर, वेस्टीज प्लेटफॉर्म के अंदर, वेस्टीज सिस्टम के अंदर आप अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हो, कैसी एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जिस लेडी की आपको फोटो दिख रही है वो एक साधारण लेडी थी, एक मामूली साधारण परिवार से थी, न उनका कोई ज्यादा एजुकेशन है, न उनकी कोई पहचान थी, न उनकी कोई आइडेंटिटी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार ठान लिया था कि अब मुझे अगर भगवान ने इस धरती के ऊपर पैदा किया है तो मुझे कीड़ों मकोड़ों की तरह नहीं जीना है, मुझे कुछ अलग बन के, अलग मेरी आइडेंटिटी बना के इस धरती के ऊपर कुछ करके दिखाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस लेडी ने वो चीज करके दिखाई है। और जहां तक मैं मानता हूं कि जितने भी मेल पर्सन है आप लोग वहां पर बैठ के देखिए कि अगर कोई एक लेडी ये सारी चीज कर सकती है तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर कोई व्यक्ति। आज जिस लेडी की मैं बात करने जा रहा हूं वो इस बिजनेस के अंदर करीबन 80,000 प्लस की इनकम ले रही है और मारुति सियास जिन्होंने अपनी अपलाइन को लेते हुए देखा था
और उन्होंने डुप्लीकेशन किया उसका और उन्होंने अपनी एक बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी ली। आज उसी की कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब वो इस बिजनेस के अंदर आई थी तब उनको पता भी नहीं था कि मैं इस बिजनेस से गाड़ी ले पाऊंगी। उनका लेवल है डायमंड डायरेक्टर और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। मुझे तो पता है कि उनको कितने चैलेंजेस आए और उन्होंने कैसे उस चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद बताएगी, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव करके दिया हुआ है और उन्होंने अपने एक लेवल इस बिजनेस के अंदर करीबन 6 इनकम लेती है और अपना एक लेवल बना दिया है डायमंड डायरेक्टर का, यानी कि सिक्योरिटी से अब वो बहुत करीब है, क्राउन डायरेक्टर से बहुत करीब है। और उस लेडी ने आज इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी महिलाओं के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुकी है। तो आज आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको यहां पर इनवाइट करूंगा जो आपको सारी चीजें बताएगी। और अंत में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे इनका सेशन खत्म हो, पीपीटी जैसे वो निकाल देगी, तो आप लीव मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हम उनके साथ बातचीत भी करने वाले हैं और उसके बाद आपको कुछ अनाउंसमेंट भी हमें इंपॉर्टेंट देनी है। तो मेक श्योर कि सेशन खत्म होते ही निकलने की जल्दबाजी मत करना। तो आज हम उस लेडी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका नाम जो है वो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वन्ना ठेंगा। तो मैं वेलकम करूंगा वन्ना जी, आगे का सेशन जो है वो आप संभालिए। सो थैंक यू सो मच, एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे वन्ना ठेंगा का। कम ऑन द स्क्रीन वन्ना जी। थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय वेस्टेज फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ बहुत सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है और हमारे सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे से हमें प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर ने मेरे बारे में जो बताया, मेरा इंट्रोडक्शन तो काफी सर बता ही चुके हैं आप सभी को। तो जो जर्नी की मैं बात करूं आज, आप लोगों के लिए शायद मेरी लाइफ की एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है, पर मेरी लाइफ का मैं जो आज बताने जा रही हूँ ना, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा लम्हा है जो मैंने जिया है। हो सकता है शायद मैं बताते हुए भावुक हो जाऊं या शायद मैं रो पड़ूं, क्योंकि आज मुझे ये महसूस होता है कि जो मैंने लम्हा जिया है ना, अगर इतनी परेशानी के साथ अगर कोई लाइफ में सक्सेस को अचीव करके दिखा दे, अगर वंदना खेंगार कर सकती है सो डेफिनेटली हर वो इंसान कर सकता है। सो मैं शुरू करती हूँ मेरी जर्नी की मैं बात करूं। क्या हो रहा है? ओके ओके मेरी पीपीटी अभी आ रही है, कोई बात नहीं, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं कि जब मेरी सक्सेस जर्नी की मैं शुरुआत करूं आप लोगों के पास, मैं आपको ये बताऊं कि आज से करीब 6 साल पहले मैंने वेस्टीज को एज अ करियर के तौर पे लिया और वो भी बहुत सिंसियरली,
क्योंकि शुरू के एक साल तो शायद मैंने ऐसे ही निकाल दिए, तो मैं सिंसियरली नहीं थी इस फील्ड में। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब मैं वेस्टेज फील्ड में आई तो मैंने इसको एज अ करियर नहीं लिया था। जब मैंने वेस्टेज पर एज अ करियर नहीं लिया था तो तब होता ऐसा था ना कि मेरी लाइफ में बहुत मतलब मैं एक्सक्यूज बहुत ज्यादा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हूँ, वहां पर इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है कि मेरी जिंदगी बदल सकती है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें लाइफ में, हर उस लेडीज की जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी कुछ अचीव करना चाहती थी। जैसे कि बोलते हैं ना कि जब मेरी शादी हुई, मम्मी पापा के यहाँ तो मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखा गया। बड़े भैया ने, बड़े दोनों भाइयों ने मुझे बहुत अच्छे से मेरी केयर की और मेरे सारी हर उस चीज पे उंगली रखी, वो मुझे ला के देते थे। शादी हुई तो शादी के बाद ऐसा हुआ ना कि लाइफ में तो बोलते ना चार बर्तन इकट्ठा होते हैं तो आवाजें होती है। शादी के बाद मेरी लाइफ में वो आवाजें शुरू हो गई। तो जिस तरीके से मेरी लाइफ में जो परेशानी आने लगी, जिस तरीके से मेरी लाइफ में जो परेशानी आने लगी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जब मेरे बेटे की डिलीवरी के वक्त में जब मैं सूरत आई अपनी मम्मी के यहाँ पर, तो मुझे वेस्टीज मेरे हाथ में आई। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी ग्रेट अपलाइन पूजा मैम जिग्नेश्वर, जो मेरी फैमिली की भी क्वीन है और वेस्टीज में भी वो क्वीन है, उन्होंने मुझे ये वेस्टीज का प्लेटफॉर्म दिया। मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस इतना बड़ा है। मैं इस चीज को धीरे 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 समझ चुकी थी। शुरू के दिनों में मैंने भी बहुत एक्सक्यूज किया, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने भी अपने अपलाइन को बहुत ज्यादा बहाने भी दिखाए, बट धीरे धीरे वेस्टेज को समझ चुकी थी, स्टडी कर चुकी थी कि नहीं ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी लाइफ में। तो जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो मैंने एज अ करियर उसको लेना शुरू कर दिया। जब एज अ करियर मैंने उसे लेना शुरू कर दिया तब धीरे 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 परेशानी आनी शुरू हो गई। जैसे कि शुरू में बात करूं तो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो, फोन में बिल बहुत चला जाता है, जितना आप कमा नहीं रही हो उतना तो पैसा जा रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो झगड़े हमारी लाइफ में थे, वो छोटे छोटे झगड़े ना कुछ बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो एक दिन मैं बताऊं तो हस्बैंड और मेरा झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि या तो आप वेस्टीज को छोड़ दो या तो आप मुझे छोड़ दो। तो रियल में बताऊं तो मेरी लाइफ में दो रास्ते थे। हस्बैंड ने जब मुझे ये बताया कि आप वेस्टीज को करो या तो फिर मेरे से, तो मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन, अगर मेरी जगह कोई और लेडीज होती तो वो 100% डिसीजन लेती कि वो वेस्टीज को छोड़ चुकी होती। मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन ये लिया कि मैंने हस्बैंड से ब्रेकअप, मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं मैं वेस्टीज को स्टडी कर चुकी हूँ और मैं वेस्टीज के साथ रहना चाहूंगी। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड गलत है, मेरे हस्बैंड अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि बहुत सारी MLM कंपनी आ चुकी थी तो उन्हें भी लगता था कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं कर पाओगी यहाँ पर, इतनी मेहनत कर रही हो कुछ नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि वो तो अपनी जगह राइट है, पर मैंने वेस्टेज को स्टडी किया हुआ, मुझे पता है कि ये कहाँ जाने वाली। तो मैं उस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई। हस्बैंड ने मुझे 4 साल, मतलब हम, मैं और मेरा हस्बैंड 4 साल करीब हम लोग अलग रहे। मेरे हस्बैंड जो है अहमदाबाद जा चुके थे, मेरे सासू सर के पास, मदर इन लोग फादर इन लोग के पास जा चुके थे, और जो छोटा सा झगड़ा था वो बहुत काफी बड़ा हो चुका था। तो क्या है कि उन्हें ये लगता था कि ऐसे फालतू बिजनेस पे कुछ नहीं हो सकता, और मुझे साबित करना था कि या तो जिंदगी में या तो चार दीवारों के बीच में जाके मरो, अपने आप को अंदर रखो, या फिर
अपने आप को साबित करो कि आपने जो फैसला लिया है उसमें आप कहाँ जा सकते हो, क्या ग्रो कर सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो, ये मुझे साबित करना है। तो शुरू में कुछ इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम आई। अकेले मम्मी, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी के साथ रहती थी मैं लाइफ में, और जब मम्मी मेरे साथ थी तो मेरे बेटे को भी उन्होंने संभाला। मुझे आज भी वो लम्हा याद है कि मेरा बेटा 1.5 साल का था। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बताऊं कि यहाँ से हर उस पॉइंट को मैं अपनी लाइफ से रिलेट करूंगी कि लोगों के पास एक्सक्यूज, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना वो कमिटेड नहीं होते, और कमिटेड नहीं होने की वजह से लाइफ में है ना वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो कुछ जो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे ना मैं उनको आपको बताना चाहूंगी कि एक्सक्यूज बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड ने मना कर दिया। अब बताओ क्या मेरा बच्चा छोटा नहीं था? मुझे आज भी याद है और मेरे अपलाइन को भी याद होगा कि मेरा बच्चा 1.5 साल का या 2 साल का था, फिर भी मैंने बीएलसी की ट्रेनिंग मिस नहीं की। मेरी मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, मेरे हस्बैंड अपने अहमदाबाद में रहते थे। मैं धीरे धीरे स्ट्रगल करती गई। जब मेरे घर से बाहर भी मैं अपनी सोसाइटी के गेट से जब मैं बाहर निकलती थी तो मैंने देखा कि मेरे वहां पे न्यू डेवलपमेंट था, तो मेरी सोसाइटी के बाहर से मुझे कोई व्हीकल्स की सुविधा नहीं मिल रही। अच्छे से 7 साल पहले की मैं बात करूँ तो मैं जब स्ट्रगल कर रही थी ना, मेरे पास खुद की एक तो बाइसिकल भी नहीं। ये रियालिटी की बात करूँ, मेरे पास एक खुद की साइकिल भी नहीं थी। मैं अपनी सोसाइटी के गेट से करीब 2 से 4 किलोमीटर पैदल चल के मैं हमारा जो बस स्टैंड है जिंदोली बस स्टैंड, वहां तक मैं पैदल चल कर जाती थी और चल के आती थी। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते थे यार कड़ी धूप है, इतनी धूप में तो हम लोग आंगन में भी नहीं जाते और आप पैदल चल के जा रही हो। बहुत बारिश है, आप लोग इतनी बारिश में कैसे जा रही हो? लोगों ने मुझे पागल बोलना शुरू किया। फिर पागल हो गया, पर उन्हें क्या पता कि मेरे सपने क्या हैं? उन्हें क्या पता कि मैं क्या सोच लेकर लाइफ में आगे बढ़ी? मैंने इतनी कड़ी धूप को भी बिल्कुल, मैंने इस धूप में भी अपने आप को पैदल चल कर भी मैंने मीटिंग के कमिटमेंट संभाले। मेरे छोटे से बच्चे को मैंने बाहर गेटवे होटल में मेरी मम्मी मेरे बेटे को 2 दिन की ट्रेनिंग में मेरी मम्मी ने बाहर संभाला उसे, और मैंने बीएलसी की ट्रेनिंग अटेंड की। ये मेरे कमिटमेंट। मैं हर 1 घंटे में बाहर निकलती थी। मैंने देखा कि जब भी मेरे बेटे को फीडिंग करवाना होता था मैं बाहर निकल के उसे फीडिंग करवाती, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना था ना, इसलिए एक्सक्यूज नहीं था। तो एक्सक्यूज को मैंने साइड पे करा और मैं आगे बढ़ती गई। दूसरी बात करूं नो लिस्ट की, नो लिस्ट की मैं बात करूं तो नो लिस्ट में लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, हम कहां पे जाके काम करें। तो हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो बात करूं मैं अपनी तो लिस्ट तो मेरे पास भी नहीं। सबसे पहले जो बोलते हैं ना कि सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हमारे घर के लोग, मेरे घर के फैमिली के सारे लोगों ने मुझे इस बिजनेस से जुड़ने में मना कर दिया। मेरे भाई बहन सब लोग मुझे बोलते थे फालतू चीजों में कुछ नहीं होता यार, तू छोड़ दे। पर मुझे यकीन था मेरी सिस्टर पे जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया, अगर वो लगातार ग्रो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या है कि वो आगे बढ़ सकती है? पूजा खेंगार अगर आगे बढ़ सकती है मैम, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती? तो मेरे पास भी मेरे रिलेटिव्स में, मेरे भाई बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों ने मुझे मना कर दिया कि हम लोग ऐसे बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें वेस्टेज क्या ये पता ही नहीं था। तो उनकी भी गलती नहीं है, जिन लोगों ने भी मुझे मना किया उनकी भी गलती नहीं है। वो लोग MLM और वेस्टेज के बारे में जानते ही नहीं थे, वो इतना स्टडी ही नहीं कर चुके थे उसके अंदर कि ये है क्या, कैसे बिना इन्वेस्टमेंट में इतना आप अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते। तो उन लोगों ने जब मना कर दिया तो ये यहाँ पे आपको बताऊं कि जब नो लिस्ट की बात आती है, मेरे मुझे तो आगे बढ़ना था, अब मुझे आगे बढ़ना था तो मेरे पास क्या, मैं किसको बोलने जाऊं कि मुझे तो लोग मना करते हैं।
मुझे तो रिश्तेदारों ने मना कर दिया। आज की डेट में मैं बोलू ना सर, 5 लोग मना करते, लोग आके मुझसे कहते मैडम मेरे को तो 5 लोगों ने मना कर दिया, और मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे क्या बोलू। तो जब लोगों ने उनको मना कर देते हैं, मुझे भी लोगों ने मना कर दिया, मुझे 100 से 200 लोगों ने मना कर दिया, तो क्या मैं रुकी? बिल्कुल नहीं। मैंने वहां पे ये सोचा कि अगर लोग मना कर रहे हैं, रिश्तेदार मना कर रहे, सब लोग मना कर रहे, तो आगे तो बढ़ना है, वरना करे क्या। और मैंने शुरू किया, मैंने रास्ते चलते लोगों से, मैंने स्ट्रेंजर लोगों से बात करनी शुरू की, मैंने रास्ते चलते हुए लोगों से बात करनी शुरू की, उनसे परमिशन ली कि सर मैडम दीदी आंटी जो भी है, क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ। उन लोगों ने जब मुझे बोला कि हाँ बोलिए क्या बोलना चाहती हूँ, तो तब मैं उन लोगों से अपने वेस्टीज के बारे में शेयरिंग करती कि मेरा इस तरीके का, मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरी संस्था जो है हम लोगों के सपनों को कंप्लीट करवाने का काम करती है। लोगों ने, मैंने सीखा कि मैं 5 मिनट में कैसे लोगों से कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकती हूँ, ये टेक्निक मैंने अपनाई क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा था कि डर वहां लगता है जहां कुछ गलत कर रहे हो। अगर मैं गलत ही नहीं कर रही हूँ तो मुझे डर किस बात का, मैं तो लोगों की जिंदगी, अगर उसने हाँ बोला तो सोच तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसने ना बोला तो क्या फर्क पड़ता है, ना ही तो बोल रहे उनकी जिंदगी में 1,00,000 रुपए नहीं आएगा, मुझे तो अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से मैंने नए नए मेरे टीम में, आज अगर स्टार डायरेक्टर भी बंदा और आज स्टार डायरेक्टर भी है ना हेतल वंशुता, वो भी स्ट्रेंजर पर्सन है, अंजुमन खान, मेरे इतनी बड़ी टीम है, तो वहां पे मैं ज्यादातर लोगों को मैं ये बोलूंगी कि ये सारे लोग स्ट्रेंजर पर्सन है, किसी को मैं नहीं जानती, पर्सनली नहीं जानती। और आज वही लोग देखो मेरी लाइफ में आज किस मुकाम पर पहुंचे, तो मुझे यकीन नहीं होता कि लोग कैसे बोलते यार कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने इसी को स्टार्ट किया, मेरी टीम में भी मैंने इसी को सिखाया, आज मेरे टीम में लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं कि बस में जो ट्रेवल करते ना वहां से भी ज्वाइनिंग ले लेते हैं, और मुझे इतना पता है कि बस में ऑटो रिक्शा में कहीं भी जाते हैं लोग, मेरी टेक्निक को, मेरी टीम ने मेरी टेक्निक को अपनाया और बहुत अच्छे से वो सफल होते जा रहे हैं, बस में ट्रैवल करते हैं ज्वाइनिंग ले लेते हैं, अंकलेश्वर में मेरी टीम से बस में ट्रैवलिंग करने में तुरंत ज्वाइनिंग हुई, वहां पे अच्छा खासा नेटवर्क भी है, तो बहुत अच्छे से वो लोग मतलब काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नो फ्यूचर नो थॉट्स, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, कोई फ्यूचर ही नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में कोई सोचना चाहता ही नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम किस लेवल पे जाने वाले, किसी को कोई सोच नहीं, वो लोग नहीं समझना चाहते कि अपना भविष्य क्या है। आज अगर जो हम लोग जिंदगी के रब में ये बात करूं कि बहुत सारी लेडीजों से जब मैं मिलती हूँ ना, वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड तो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, मेरे हस्बैंड को 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है अपने कुछ करने की। अब मैं ये बोलू ना कि फ्यूचर के बारे में सुनी, जो हस्बैंड कमा रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छा है अगर वो कमा रहे हैं, पर लाइफ में क्या कोई गारंटी है। मैं भी यही सोच के साथ इस फील्ड में आई थी, अगर मैं और मेरा हस्बैंड दोनों भी कमाएंगे ना तो क्या कोई गारंटी है कल को अगर हस्बैंड को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या। तो लोग भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। मैंने इस जगह पे काम किया कि अगर मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर हस्बैंड कमा भी रहे, अगर साथ में हम भी कदम से कदम मिलाकर शुरू करें तो क्या कल को अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन करवा सकते हैं, हम फैमिली संभाल सकते हैं, हम पूरे समाज को संभाल सकते हैं, समाज में व्यवहार कर सकते हैं। नहीं, वहां पे हम रुक जाएंगे। तो जो इंसान भविष्य के बारे में सोचेगा ना, वो कभी इंसान ये नहीं बोलेगा कि मेरे हस्बैंड इतना कमा रहे, अगर कमा रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर उनके साथ आप भी कदम से कदम मिलाइए ना। एक आज तो जो सिचुएशन चल रही है ना कोरोना और लॉकडाउन, आज मैं 9 महीने
9 महीने से अपने घर पे बैठी हूँ, फिर भी वेस्टीज की बदौलत मेरे घर में इनकम आ रहा है। आज अगर 6 साल पहले अगर मैंने यहाँ पे मेहनत नहीं की होती तो क्या 6 फिगर इनकम मेरे घर में आती? नहीं है। समझ? तो यहाँ पे भविष्य के बारे में सोचना बहुत, मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगी कि वेस्टीज आज मैं इस साल 9 महीने से घर में बैठी हूँ, मेरी डिलीवरी हुई, मेरी गुड़िया है 7-8 महीने की और मेरे हस्बैंड भी घर पे बैठे हैं आज, फिर भी आज देखो तो इनकम आ रही है। नो गोल, कोई गोल नहीं होता लोगों का। अब जिस गोल को लेके मैं आगे बढ़ रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा करके दवा चले जा चुके थे। तो यहाँ पर हुआ था कि मैंने तो अपना गोल लिया हुआ था कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना, मुझे अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मैं अपने बेटे को देख के काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि मुझे अपने आप को साबित करना है। अगर मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मैंने अपने आप को अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं मैं हस्बैंड के साथ ही रहूंगी, हस्बैंड कमा रहा है, मैं भी आराम से घर में बैठू, 2 टाइम खाना तो मिल रहा है ना, फिर क्या टेंशन है? तो 2 टाइम का खाना तो हस्बैंड कमा रहे तो वहां भी मिल जाता, अगर जानवर को मिलता तो मुझे नहीं मिलता। पर मैंने अपनी सोच को बदला कि नहीं, अपने आप को साबित कर लिया, घर की 4 दीवारों में नहीं मरना है मेरे को, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है और मैं सफल होना चाहती हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, जब मेरी बहुत सारे स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में जो देखे हैं, मैं काफी चीजों को मैं बता नहीं सकती हूँ, कितनी बार ऐसा भी हुआ स्ट्रगल के टाइम, कभी कभी घर तक पहुंचने तक के भी पैसे पास नहीं होते, वो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में देखा, समझ लो। कड़ी धूप मेरे लिए रुकावट नहीं बनी, कितनी भी बारिश आई मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने जहां कमिटमेंट किया ना कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मतलब जाना है, क्यों? क्योंकि मेरी गोल बहुत पावरफुल थी। पेन होता था मुझे जब लोग सक्सेस हो रहे थे होते हैं और मैं क्यों? तो यहाँ पे जब आपके गोल इतने पावरफुल हो गए ना तो आपको आपके गोल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने में कोई रोक पाए। नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस की बात करूं, बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बोलती है मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, करने की कोशिश तो करो पहले। नो कॉन्फिडेंस ही नहीं, पहले ही हार मान लेती कि मुझसे नहीं होगा। आज के सेशन देने से पहले मैं भी थोड़ा डर रही थी कि गुड़िया छोटी है, वो रोएगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेरी बच्ची अभी 7 महीने की है, मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ ये मुझे पता था। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे अपलाइंट ने मुझ पर विश्वास रखा कि आप कर सकते हो। अश्विनी साहब थैंक यू सो मच, किरण सिंह थैंक यू सो मच, एंड पूजा मैम एंड जिज्ञासा, उन्होंने बोला कि सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी जस्ट जैसे ही मेरा सेशन शुरू होने वाला था ना, 2 मिनट पहले मेरी गुड़िया इतनी रो रही थी, और अभी देखो जब हम करने के बारे में सोच लेते हैं ना तो भगवान भी हमें हेल्प करते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं बैठी, मेरी गुड़िया वहां पे सो गई। तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखते, किसी भी चीज को लाइफ में अचीव करना चाहते हो पहला तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। जब खुद पे भरोसा रखना शुरू कर लोगे ना तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। नो इंडिपेंडेंस, ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट नहीं बनते, हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहते। वो लोग सोचते हैं कि नहीं क्यों खुद इतनी मेहनत करें, जब तैयार मिल रहा है ना फिर मेहनत क्यों करें, इसलिए जब तैयार मिल रहा है तो फिर मेहनत
करने की जरूरत ही नहीं है, हस्बैंड कमा रहे थे और कमाने दो सर, आप सब से जा रहे हैं। जिस हस्बैंड के बारे में आप बहाने निकाल लेते हो ना कि हस्बैंड मना कर रहे, सच बताओ तो दुनिया में इतने आज्ञाकारी लोग तो हम होते ही नहीं। ये रियलिटी की बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे तो माफ कर दो। हम बीच में ना हस्बैंड को ना बलि का बकरा बना लेते हैं, हस्बैंड ने मना कर दिया, वो ये नहीं चाहती कि हस्बैंड ने मना कर दिया, कि हम इतने आगे करिए कि हस्बैंड ने दिन को रात और रात को दिन बोले तो हम लोग मान लेते। क्यों हस्बैंड को मना, क्यों हस्बैंड को बीच में नाम लग ले कराते, क्यों एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है और आप हस्बैंड के ऊपर छोड़ देते हो कि यार हस्बैंड मना करते हैं। आप वहां पे हस्बैंड को नहीं, आप अपने सपनों को मना करते हो, आप अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचते भी नहीं, आप उस चीज को मना करते हो। कभी कभी जिद्दी बनकर भी देख लो, अगर कुछ गलत कर रहे हो ना वहां पे डर लगता है कि हम लोग हस्बैंड की परमिशन लेंगे। जहाँ पे अच्छा कर रहे हो, कोई गलत ही नहीं है, तो फिर क्यों हस्बैंड को बीच में लेकर आते हो, हस्बैंड ने मना कर दिया, सासू ससुर ने मना कर दिया, ये हो गया। अगर खुद पे भरोसा रखते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हो ना, तो ये सारे बहाने बैठ, मुझे भी मना कर दिया था हस्बैंड ने, मैं तो आर्ग्यूमेंट करके भी आगे बढ़ी। जब साबित करा ना अपने आप को, जब मेरी 30,000+ की इनकम हुई हस्बैंड के मेरे साथ आगे रहने के लिए, क्योंकि साबित करना था, अपने आप को साबित करना कि मैंने जिस रास्ते को चुना है ना वो कोई गलत रास्ता नहीं है, मैं सही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मैं रुकने वाली हूँ, मैंने खुद को साबित किया। बहुत सारे लोग, एक ही बार अगर मैं एक ही सेंटेंस बोलू ना, जितने लोग बोलते हैं हस्बैंड ने मना कर दिया, उन लोगों के हस्बैंड को बोलो ना मायके वालों के बारे में दो बातें बोल दे बस, देखो आप लोगों के अंदर दुर्गा और माँ काली का रूप कैसे आता है। फिर हम बोलते हैं यार हस्बैंड ने मना कर, इंडिपेंडेंट बनना ही नहीं चाहते कि यार मैं खुद तो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ तो करूं, जैसे कि मेरी आइडेंटिटी बने, मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए। हम लोग ये नहीं सोचते, ब्लेम कर देते दूसरे। नो पेनफुल ड्रीम्स, नो पेनफुल ड्रीम की मैं बात करूं तो जहां पे हम लोग अपने बारे में, हमारे जहां पे कोई पेनफुल ड्रीम नहीं होता है ना, हम लोग सोचते ही नहीं है कि यार हमारा, हम लाइफ में करें क्या। तो जहां पे आपके पेनफुल ड्रीम हो गए ना, वही आपको फील करवाएंगे। पेनफुल ड्रीम्स की मैं बात करूं ना, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचना कि जो जिंदगी आज आप जी रहे हो, आपकी सैलरी आ रही है 10,000-20,000, तो क्या उसमें आपके सपने कंप्लीट हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। मैं इसी पेनफुल ड्रीम्स के साथ काम कर रही थी, क्योंकि मेरे सपने थे जब मैं लोगों को देखती थी ना कि लोगों के बच्चे कार में बैठ के जूम चले जाते, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए कार नहीं खरीद सकती? क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि मैं अपने बच्चे के सपने कंप्लीट नहीं कर पाऊं? मेरे अंदर भी वो चुभन थी, बहुत चुभन। मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बेटे के लिए मैं कार अचीव कर पाऊं, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी मासी की कार देखी थी पूजा मैम, उसकी कार देख के वो बार बार बोलता था मम्मी मुझे भी मासी जैसी कार चाहिए। और मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि बेटा अभी आप जूनियर केजी में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ सेकंड स्टैंडर्ड में जाना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी मम्मी आपके लिए कार गिफ्ट करेगी, आपके बर्थडे पे करेगी, ये मेरा प्रॉमिस। और रियलिटी देखो, मैंने 7 जुलाई जो मेरे बेटे का बर्थडे होता है, मैंने उसी के बर्थडे पे 2019 में उसे कार गिफ्ट की। लास्ट ईयर जब हमारा कार कार्निवल हुआ, मैंने अपने बेटे को कार गिफ्ट की, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैंने उससे उस दर्द में देखा था मेरे बेटे को, जब मैं वो छोटा सा था ना, मेरी मम्मी शांत हो गई तो मेरे बेटे को संभालने के लिए कोई नहीं था, हस्बैंड तो अहमदाबाद में थे, तो फिर कैसे। फिर सोचा कि नहीं कुछ भी हो जाए रुकना तो नहीं है, तो रुकना नहीं है तो करे कैसे, मैनेज कैसे करे। तो मैनेज कैसे करे ये देखा कि मैंने कुछ टाइम तक जब उसके
स्कूल नहीं शुरू हुई थी तब तक मैंने ये देखा कि मैं उससे किस तरीके से मैनेज कर पाऊँ। मैंने उससे घर में हैबिट डाली अपने बेटे को कि बेटा आपको घर में रहना है, घर में सोफे के पास सीधे खाना पीना उसका सब कुछ रख के चली जाती थी और बाहर से लॉक मार देती थी, बाहर से जब ताला लगा के चली जाती थी ना। कितनी बार ऐसा हुआ कि जब मैं मीटिंग दे रही होती थी और मैं रो रही होती थी क्योंकि मुझे फील होता था कि मेरा बेटा घर में अकेला है। मैं फील कर पाती थी उस तकलीफ को, फील कर पाती थी दोपहर की डेढ़ बजे से मेरा बेटा घर में अगर बंद रहता था तो करीब करीब रात को 8 भी बज जाते थे और 9 भी बज जाते थे। अगर कहीं दूर मीटिंग के लिए निकली हूँ तो 9 भी बज जाते थे। रात को जब आके जब मैं दरवाजा खोलती थी मेरा बेटा मुझे गले लग जाता था, रोता था, मम्मी आप मुझे रोज बंद करके चले जाते हो, मेरे ही बाजू में हमारा ही अलग से उधर गार्डन है वहां पे मेरे बच्चा मेरा खिड़की से देखता था कि सारे बच्चे खेल रहे होते मम्मा मैं तो घर में बंद रहता हूँ। तो क्या मैं माँ नहीं, क्या मुझे दर्द ही होता? मुझे दर्द होता था पर उस दर्द को मैं दबा के रखती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे के सपने अगर दर्द को देखते तो वो सपने कंप्लीट नहीं हो पाते। आज मेरा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और आज मेरा बेटा ना कार में घूमता है, मारुति सियाज कार मैंने उसके बर्थडे पे उसे गिफ्ट की जो मैंने प्रॉमिस उसे किया हुआ था। उसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बेटा थोड़े दिन ये तकलीफ बर्दाश्त कर दो। देखिए बेटा अगर मेरा घूम रहा है ना सियाज में तो स्ट्रगल तो उसने भी किया, मेरे बेटे ने भी स्ट्रगल किया। उसने एक बंद रूम में अपने आप को बंद रखा, अपने आप पे विश्वास रखा, मम्मी पे विश्वास रखा और मासी की कार तो देख ही चुका था तो उसे यकीन हो गया था अगर मासी की कार आई है ना तो मम्मी की भी कार जरूर आई। आज वो कार में बैठते ना उसके चेहरे की जो स्माइल में देखती मुझे उसकी स्माइल देख के जो सुकून मिलता है मैं क्या बताऊं। लोग इतने कमिटेड होते ही नहीं है और फिर बोलते हैं कि नहीं यार इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे होगा कहां से, कुछ करना ही नहीं चाहते। थोड़ी प्रॉब्लम आती नहीं कि चलो भाई मेरे बच्चे छोटे यार कौन संभालेगा, मेरे तो घर में कोई है नहीं, मेरे सास नहीं, मेरे ससुर नहीं, मेरा पति नहीं, कुछ नहीं। जब आपके सपने अगर आपके बच्चे के लिए हो ना तो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। मैंने किया मैनेज, जैसे उसकी स्कूल शुरू होने लगी मेरी बड़ी दीदी ने मेरे बेटे को संभालना शुरू किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला बड़ी दीदी का भी। उनके घर में उसको छोड़ने लगी स्कूल से आ जाने के बाद, वो वैन वाला सीधा उसको मेरी बड़ी दीदी के घर छोड़ता था। फिर मीटिंग कम्प्लीट करने के बाद भी मुझे बड़ी दीदी के घर उसे लेने जाना है, फिर उसे घर पे वापस लाना है, काफी ये सारे स्ट्रगल। तो जहाँ पे पेन होता है ना, पेनफुल ड्रीम्स, अगर दो लाइन में आपको ये बताऊं ना कि पैसे की वैल्यू क्या समझते हो लाइफ में, अगर इतना समझ लिया ना आप लोगों ने तो आप समझ लोगे कि वेस्टेज क्या है। अगर कभी ऐसे इंसिडेंस अगर याद आ जाए ना कि जिस दिन आपके पास पैसे की बहुत जरूरत थी और आपके पास पैसा नहीं था, वो लम्हा कैसा महसूस हुआ, उस लम्हे को सिर्फ याद कर लेना दोस्तों। जिस दिन वो लम्हा याद आ गया ना, जिंदगी में वेस्टेज को नहीं छोड़ोगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू समझ में आती है जब पैसा पास नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता, मैं बोलती हूँ कि बिना पैसे की लाइफ में कुछ भी नहीं होता। अगर पैसा पास में है तो सब लोग अपने, पैसा पास नहीं कोई आपको पूछता भी नहीं है। तो आपको देखना है कि आप लाइफ में किस लेवल पे जाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते भी हैं, पर मैंने वेस्टेज में ये देखा कि यहाँ पे मान सम्मान भी कमाया जाता है, यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी कमाई जाती है, यहाँ पे लोगों के आशीर्वाद कमाए जाते हैं और इससे खूबसूरत रास्ता मुझे समझ में नहीं आया और इसीलिए मैंने अपनी कमिटेड वेस्टेज के साथ रखी। यहाँ पे मैं बात करूं नो इंटरेस्ट फॉर नेटवर्क, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को तो इंटरेस्ट में नेटवर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं बोलूं कि नेटवर्क में इंटरेस्ट है क्यों नहीं भाई आपको। हम पैदा हुए नेटवर्क के माध्यम से, तो पैदा हुए पहले हमारे दादा परदादा आए, फिर पापा मम्मी आए, फिर हम लोग आए, हम पूरे चैन सिस्टम से आए, फिर भी बोलते हमको तो नेटवर्क में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे अगर घर पे अगर दूध आ रहा है ना,
हमारे घर में, अगर पेपर वाला आ रहा है हमारे घर में, केबल से, केबल लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं, हर चीज से जुड़े हुए हैं, तो समझ लो कि आप लोग नेटवर्क का हिस्सा हो। लोगों ने आपको अपनी नेटवर्क का हिस्सा बना रखा है, और हम ये कहते हैं कि हमें तो नेटवर्क में जुड़ना ही नहीं है। आप, हम लोग बेवकूफ है कि हम लोग अपना नेटवर्क नहीं बना रहे। और इसीलिए जो लोग नहीं समझ पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो लोग नेटवर्क को समझ ही नहीं पाते। आप 100 लोगों से 1-1 रुपए कमाओ, 100 लोगों से अगर आप 100-100 रुपए कमा रहे हो, उससे अच्छा कि आप 100 लोगों से 1-1 रुपया भी कमाते हो ना। अगर 3 लोगों ने भी 1-1 रुपया देना बंद कर देना, फिर भी 97 रुपए आपके पास आएंगे। ये है नेटवर्क का पावर, पर हम समझना ही नहीं चाहते। रिलेटिव्स कमेंट, रिलेटिव कमेंट की मैं बात करूं कि मैं जब स्ट्रगल कर ही रही थी ना, तब मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे, तो रिलेटिव्स जब मेरे कमेंट कर रहे थे ना, रिलेटिव्स ने मुझे यहां तक बोल दिया कि वैष्टि वैष्टि पूरा हमेशा करती रहती हूँ, एक साइकिल को खरीद के दिखा दो। सच बताओ ना, मैं इस बात को सुन के मैं 3 दिन रोई थी कि मुझे ऐसे क्यों बोला। मुझे बहुत तकलीफ थी क्योंकि 3 साल लगातार मैं पैदल चलकर अपनी सोसाइटी के गेट से पैदल चल के अपनी, और डिंडोली बस स्टैंड जहाँ पे व्हीकल्स मिलती है ना, मैं वहां पे पैदल चल के जाती थी, मैं पैदल चल के आती थी। तो जब रिलेटिव्स ने मुझे ऐसे बोला ना, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं रोई 3 दिन लगातार, फिर वापस से तो अपने आप से कमिटमेंट किया कि बस अगर साइकिल खरीद नहीं सकती हूँ क्या मतलब, किस हिसाब से बोला मुझे ऐसे। तो फिर जिद में आई, फिर गुस्सा आया मुझे बहुत, मैं किया। मुझे आज भी याद है कि रात को 11 बजे मैं एडाजन की DLCP से ऑर्डर निकाल के आ रही थी, कंप्लीट करके आ रही थी। सबसे पहले मुझे अश्विनी सर और प्रतिभा मैम ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने स्टार कंप्लीट कर दिया। तो 11 बजे मैं वहां से निकली और करीबन 11:30 बजे मैं डिंडोली पहुंची। बहुत बारिश भी हो रही थी, मुझे आज भी वो लम्हा याद है कि मेरी टीम से मीता बेन और उनके हस्बैंड ने, मेरे पास तो थी नहीं साइकिल, वो मेरे पास तो कोई व्हीकल भी नहीं था, और रात को 11 बजे मुझे वहां पे कोई व्हीकल मिल भी नहीं सकता था मेरे घर पहुंचने के लिए। तो उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ा, करीबन 11:30 बज चुके थे उस टाइम पे। मैंने अपना स्टार कंप्लीट किया था, मैं अडाजन से अपने घर पहुंची रात को 11:30 बजे। 12 बजे हम लोगों ने घर पे खिचड़ी बना के खाई, वो लम्हा आज भी याद है। जब आपको आपको ना चिंगारी लगती है ना, पूछ में आग लगना, तो कुछ रिलेटिव ऐसे आपकी लाइफ में होने ही चाहिए जो आपको कुछ ऐसा बोल दे और आपके दिल में लग जाए। जिस इंसान ने मुझे ऐसा बोला था ना, सिर्फ बताऊं, मैं अपने कमेंट से तो कुछ नहीं बोल पाई, पर मैंने अपने सक्सेस से मैंने साबित कर दिया कि मैंने, जहां पे मेरे पास साइकिल नहीं थी ना, मैंने वेस्टीज के दम पे अपनी 2-व्हीलर भी अचीव की वेस्टीज से, और मैंने मारुति सियाज भी अचीव करके दिखाई, बिना बोले थप्पड़ कैसे मारा जाता है ये मैंने सीखा। मुझे जिन लोगों ने मुझे बोला था ना, उन लोगों के दरवाजे में तो सियाज कार नहीं खड़ी है, आज मेरे दरवाजे में खड़ी है। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे रिश्तेदार भी मिले जो मेरे टांग खींचने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे रिश्तेदार होने ही चाहिए। थैंक यू सो मच अगर मुझे सुन रहे हो तो। नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इसी में मार खा जाते हैं, रिलेशनशिप ही डेवलप करना नहीं था। जहां पे रिलेशन ही नहीं है वहां पे कोई काम हो ही कैसे सकता। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ अपने रिलेशन को इतना बिल्ड करो, इतने अच्छे से बॉन्डिंग रिलेशनशिप अपने नेटवर्क में बिल्ड करो कि आप अगर एक टाइम आ जाए कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाए। सिर्फ बिजनेस के ही लिए आप अपनी टीम को कम्युनिकेशन मत करो, रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आज भी याद है रिलेशन की मैं बात करूं, मैं हिरेन सर के यहाँ पर, मतलब डेफ मैं हूँ काफी, मतलब पूजा खेंगर मेरी कजन सिस्टर है,
उनसे मैं डेफ में हूँ, उसके बाद जागृति मैम है और नीचे मैं हूँ। तो मैं एक डेफ माली, मैं डेफ में थी, फिर भी मुझे आज भी याद है कि रिलेशनशिप निभाया कैसे जाता है। मैंने सीखा, मैंने अपने अपलाइन से सीखा, मैंने अपने गुरु से सीखा कि रिलेशन का इम्पोर्टेंस है। मुझे आज भी याद है कि त्वरा मैम की शादी थी, करीबन 8 दिन बाकी थे, और उसी वक्त मुझे याद है मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। हॉस्पिटल में मेरी मम्मी बहुत सीरियस कंडीशन में थी, और उस जगह पर पूजा मैम जिग्नेश तो मेरे साथ थे ही, मेरी सिस्टर है, और वहां पर हिरेन सर अपने घर में शादी छोड़ के हिरेन सर वहां पर मम्मी से मिलने आए। उन्होंने कहा अभी कि कहीं भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। सोचो कि घर में शादी को सिर्फ 8 दिन ही बाकी है, और फिर भी हिरेन सर हॉस्पिटल आए मुझसे मिलने के लिए। तो रिलेशन निभाना तो मैंने अपने गुरु से सीखा, और जो सीखा इतने अच्छे से सीखा कि आज मैं अपने टीम में वही रिलेशन को बिल्ड कर रही हूँ। सिर्फ मीटिंग के लिए मेरे कम्युनिकेशन नहीं होते, अगर हम लोग इतना भाई बहन, अपने पेरेंट्स, अपने सारे रिश्तेदारों को इतनी इम्पोर्टेंस देते, तो अपनी टीम को क्यों नहीं दे सकते? अपनी टीम को क्यों कम्युनिकेशन में नहीं रखते? हमें अपनी टीम को पावरफुली कम्युनिकेशन में रखना है, और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। अगर रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। एक टाइम ऐसा होगा कि आपका बिजनेस ऑटो बढ़ते जाएगा। ओके, नो फ्यूचर प्लानिंग, नो सिक्योरिटी, दिस अ रियलिटी। मैं यहाँ पे मैं अगर मैं अपनी बात मैं बात करूं कि आप जिस जिस तस्वीर को आप देख रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि आज ये जो लोग सब्जियां बेच रहे हैं ना, वो 70-80 साल के लोग हैं। कि आपने अपने नियर डियर में आपने अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखते हो जब 70-80 साल की उम्र में भी उनको सब्जियां बेच के अपनी जिंदगी का गुजारा करना पड़ता है? मैं सच में आप लोग नहीं मिलते हो मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसे लोगों से जाके पर्सनली मिलती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आज इतनी उम्र में भी आपको सब्जियां बेच के गुजारा करना पड़ता है, या कचरा पोता करके गुजारा करना पड़ता है, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में? और जब उनसे बात करने की बात पता चलता है कि घर में 3 बेटे भी है, बेटी भी है, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन कराया, खुद का घर करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, और फिर भी आज जिंदगी इस मोड़ पे है कि 2 वक्त का खाना भी उन्हें सब्जियां बेच के कमाना पड़ता है। पता है ऐसे लोगों की इनकी गलती क्या है पता है? इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने लिए कोई विकास योजना नहीं बनाई। इन्होंने अपने लिए अगर विकास योजना बनाई होती, बाली सर हमेशा कहते कि विकास योजना बनाई, अगर इन्होंने भी अपने लाइफ में विकास योजना बनाई होती ना, तो आज ये सब्जियां बेच के 2 टाइम का खाना नहीं कंप्लीट कर रहे होते। तो इनकी गलती ये है। मुझे देख के ना मैं कभी कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ कि अगर आज इन लोगों की लाइफ में अगर ये है, तो मुझे अपनी विकास योजना बनानी पड़ेगी। मुझे आने वाले फ्यूचर में, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं और मेरे वैश्विक परिवार का कोई भी इंसान इस लेवल पे चला जाए कि उनको सब्जी बेच के गुजारा करना पड़े, 2 टाइम का खाना उन्हें सब्जी बेच के कमाना पड़े। क्या ये उम्र में वो घर में बैठ के नहीं खा सकते? क्या बहू बेटे उनको घर में बिठा के नहीं खिला सकते? क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के पीछे निकाल दी, खुद के लिए कुछ नहीं किया, और वो दर्द मुझे महसूस भी होता है। रियलिटी की अगर बात करूं मैं अपनी, अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूं, मुझे आज भी मैं वो दर्द को महसूस कर पाती हूँ कि मेरी मम्मी ने इतनी सिंपल जिंदगी जी, इतनी सिंपल जिंदगी वो जी कर गई। 71 ईयर्स अबाउट मेरी मम्मी इस लाइफ जी कर गई, और मेरी मम्मी ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बड़े किया, उनको पढ़ाई लिखाई, उनको उनकी शादी करवाई, उनको घर करवा दिया, सब कुछ। पर मेरी मम्मी ने सूरत में जो उभराट होता है ना, वो भी नहीं देखा। तो मुझे आज वो पेन महसूस होता है। मेरी मम्मी के गुजरने के बाद 2 साल के बाद मेरे पास कार आई। अगर मेरे पास पहले कार आ जाती, मैंने वैसे को शायद पहले सुन लिया होता,
तो काश मैं अपनी मम्मी को कार में बिठा के पूरा सूरत हर जगह घुमा पाती। तो दर्द को महसूस करना ना, जो कर पाएगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में सब कुछ समझ के भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अगर इस लेवल पे नहीं जाना है, लोगों की तरह अगर जिंदगी नहीं जीना चाहते हो ना, तो वेस्टीज आपके पास खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है, आप उससे कंप्लीट कीजिए। अब उसे समझिए कि लाइफ में आप क्या कर सकते हो। अगर अपने आप को आने वाले 75 अपने बुढ़ापे को अगर उस लेवल पे नहीं देखना चाहते हो ना, तो खुद के लिए विकास योजना बनाओ। बिजनेस के बारे में तो हर इंसान बता देता है कि कैसे कमा सकते हो, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो जब इस फीलिंग के बारे में सोचोगे ना, तो मैं लिख के दूं कि बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर के लिए काम करेंगे कि हमें हमारी जिंदगी में किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। अगर मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने बुढ़ापे को अगर इस जगह पे नहीं देखना चाहते हो ना, तो वेस्टेज को एज अ करियर जरूर ले लेना। मैंने तो ले लिया है और मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि इस दर्द को महसूस कर पाती हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, निःशब्द हूँ इस तस्वीर को देखकर। आप इस तस्वीर को देखकर देख लीजिए कि लाइफ में सिक्योरिटी है क्या। यहाँ पर देखो, जो बंदा मच्छी को पकड़ रहा है, उसके वो भी अपने बच्चों के लिए खाना निकाल रहा है, और नीचे मछली है, वो भी अपने बच्चे के लिए खाना लेने के लिए मेहनत कर रही है। हमारी जिंदगी की कोई सिक्योरिटी है क्या? कभी आप अपने फैमिली में रात को सोए हो ना, अपने बच्चों को देख लेना कि अगर वो सोए हैं, अपने आपके घर में पूरा फैमिली सोए, अगर आप खुद ही वहां पे करता धरता हो ना, और आप दुनिया में अगर समझ लो कि कुछ हो गया, न करें नारायण कुछ हो गया, तो क्या आपने फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी रखी है? कुछ बचाया, कुछ हमने समझा कि हमारे मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या? कोई नहीं, समझना ही नहीं चाहता। और जो समझ रहा है वो वेस्टीज को कर रहा है, वेस्टीज जैसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे वो आगे बढ़ते जा रहा है। आज शायद लास्ट मंथ में ही मैंने देखा कि गुरप्रीत सर, जब उनकी डेट हुई, मैं शॉक हो गई, क्योंकि मैंने सूरत में उनकी स्पीच सुनी हुई थी। तकलीफ तब समझ में आ रही थी कि देखो, आज 34 से 35 साल का बंदा, अगर लीडर, इतना पावरफुल लीडर, अगर अचानक उनकी डेट हो गई, फिर भी आज उनके फैमिली, उनके बच्चों को ना पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। यह है वेस्टेज का पावर। करीबन 8 से 10 लाख का चेक वो मंथली ले रहे हैं। क्या उनकी वाइफ को, क्या उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है? क्या किसी के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ सकता है? कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं। माय फ्यूचर ड्रीम की मैं बात करूं, तो मैं आने वाले टाइम में, मेरा ड्रीम है कि मेरा इतना खूबसूरत सा फार्म हाउस हो। फार्म हाउस के आगे बड़ा सा एक तालाब हो, या मेरा स्विमिंग पूल हो, उसके सामने मेरी बड़ी सी कार। तो जो मैं ड्रीम में फील कर रही हूँ ना, मैं 100% मुझे लगता है मैं वेस्टेज से 100% कंप्लीट हूँ। वेट एंड वॉच, क्योंकि वेस्टेज में वो पावर है। वेस्टीज को एज अ करियर लिया हुआ है। अगर वेस्टीज को करियर लिया था, इसीलिए इतने बड़े चैलेंजेस लाइफ में लिए कि हस्बैंड को भी छोड़ देने की मैंने चैलेंज लिया, तो देखो मैं अपने सपनों के लिए मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। क्योंकि हस्बैंड, सब लोग ऐसे मत करना यार कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो, नहीं तो आपके हस्बैंड ना बाद में पता नहीं क्या गाली ना दे मेरे को। ऐसा नहीं करना है। ये तो मेरे अंदर एक जुनून, मेरे अंदर आगे बढ़ने की ये था। मैं वेस्टीज को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी दोस्तों, इसलिए मैंने, मुझे पता था कि कहीं कुछ नहीं जाने वाला। जो हस्बैंड है उन पे भी पूरा ट्रस्ट था, वो भी कहीं नहीं जाने वाले, वो भी आएंगे। खुद को साबित तो करना है, तो फिर क्यों ना मैं पीछे हटूं। जब मैं साबित कर दूंगी तो वो 100% अपने आप आ जाएंगे। और देखो आज हम साथ में रह रहे हैं, और आज मेरे हस्बैंड को बहुत प्राउड फील होता है कि देखो आज 9 महीने 10 महीने से कोरोना में घर में बैठे, फिर भी घर में इनकम आ रही है वेस्टीज की बदौलत। सो थैंक यू सो मच फॉर वेस्टीज। मेरी BMW दोनों यहाँ पे सिंबल लगे, BMW के भी सिंबल लग गए, और मर्सिडीज का भी लगा है, तो दोनों ही कार मेरे पास आने वाली है। कोई डाउट नहीं है मेरे को। ये मेरे बंगला का बहुत अच्छे सा मेरा ड्रीम है, इस तरीके का मेरा आगे का प्लान होने वाला है। यहाँ पे मैं अगर छोटी सी बताऊं तो अमिताभ बच्चन, देखो अपनी लाइफ करीब करीब 18 से 20
पिक्चर फ्लॉप होने के बाद भी आज उन्होंने कितनी सफलता हासिल की। तो शुरू में हमें असफलता मिलती है, हमें असफलता से डरना नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी सक्सेस ऐसे ही हासिल नहीं होती। लाइफ में बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल करनी हो तो पहले फेलियर बनना पड़ता है, हमें असफलता का समझना पड़ता है। 20 फिल्म में फ्लॉप होने के बाद मुझे याद है कि अरुण कोई हीरोइन इनके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं थी। अरुणा ईरानी उनके साथ एक फिल्म में काम करने के लिए रेडी हुई, बॉम्बे टू गोवा, उसके बाद वो सफलता की ओर बढ़ते चले गए। तो बॉम्बे टू गोवा उनकी इतनी अच्छे से हुई, सफल हुई। और आज देखो तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरे को ना तेल साबुन बेचना है, तेल साबुन बेचने वाला बिजनेस ही है। मैं कहती हूँ यार तेल साबुन बेचना 5 रुपए का ठंडा ठंडा कूल कूल अगर अमिताभ बच्चन बेच सकते हैं, करोड़पति बंदा है, करोड़पति एक्टर अगर 5 रुपए का ठंडा ठंडा कूल कूल बेच सकते तो क्या हमको 35 और 40 रुपए के साबुन बेचने में प्रॉब्लम हो रही है? किस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि हम करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर अमिताभ बच्चन को कोई शर्म नहीं है तो हमें किस बात की शर्म लगती है? वो तो बंदा करोड़पति बंदा है ना, फिर भी उन्हें शर्म नहीं लगती। और हम बोलते हैं जी ठंडी कौन बेचेगा, ये तेल साबुन वाला बिजनेस कौन करेगा? बेटर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भारती ने मैच है कि मैं बात करूँ, देखो वेट था फिर भी अपने आप को वो रोके नहीं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई, वो बेस्ट कॉमेडियन की रूप अलग से निखार के निखर के आई। और देखो उन्होंने अपनी खुद की कितनी खूबसूरत पहचान बनाई कि वहां वेट कोई मायने नहीं लगा, लोग आज उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं ना कि उनके वेट को। सो आइडियली मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख के। नेहा ठक्कर इज अ बेस्ट सिंगर, हाइट में बहुत छोटा पैकेज बड़ा धमाल। तो नेहा ठक्कर बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, जब आपको सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कोई मायने नहीं लगता कि आप किस जगह पे क्या कम है आपकी जिंदगी में, अगर एक बार खान लोगे ना तो जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो। यहाँ पे सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करूँ, रंग बहुत काला था, काफी लोगों ने उनको मना कर दिया था कि भाई तुम किसी में नहीं चल सकते हो, ना सीरियल में चल सकते हो, ना आप किसी पिक्चर में चल सकते हो, आपको कहीं पे कोई रोल नहीं मिलेगा। लगातार कोशिश, निरंतर प्रयास के बाद देखो आज उन्हें सारे लोग देखते हैं। अब्दुल कलाम सर की मैं एक लाइन पढ़ना चाहती हूँ, एक निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद चाहे 1000 मुश्किलें आ जाए कभी भी पीछे मत मुड़ना। जो मैं अपनी लाइफ में इसको देखती हूँ हमेशा कि मैं किसी भी सिचुएशन से गुजर सकती हूँ पर मैं लाइफ में कभी पीछे नहीं मुड़ सकती। तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छे, मतलब हमें इन लोगों से सीखना है लाइफ में। मुकेश अंबानी सर से की मैं बात करूँ तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है ये, इतना बड़ा नेटवर्क। आज जितने भी करोड़पति लोगों से आप मिल लोगे ना, आप नेटवर्क कोई आप देखना कि जिन जो भी लोग आज करोड़पति हो गए ना वो नेटवर्क करी है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। मुकेश अंबानी का मानना है कि जब अपने लक्ष्य तय कर भी लिया है तो इससे पाने से पहले आराम नहीं करना चाहिए, सोते जागते अपने टारगेट की धुन आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप नंबर 1 बन पाओगे। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ पाने की जिद कर रहे हो तो फिर लाइफ में अपने आप को साबित करो। मैं रन डाउन कर लेती हूँ, टाइम तो ओवर होते जा रहा है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता दिलाते हैं, उनका मंत्र ही ऊंचे ख्वाब देखो उनके और उनके पूरे होने तक चैन से मत बैठो। मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ कि जब तक हमारे ड्रीम कंप्लीट नहीं होते हमें शांति से नहीं बैठना है। मुकेश खतरे उठाने में भी कभी पीछे नहीं रहते, उनका मानना है कि उनसे मिला अनुभव ही आपको लीडर बनाता है जिंदगी में। अगर जो एक्सपीरियंस, में बहुत सारे लोग कहते हैं बिजनेस का एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ कि जब जिस इंसान को जिंदगी का जो अनुभव है ना उससे बड़ा अनुभव आपकी लाइफ में और क्या हो। इंसान को अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि अपने सपनों का आप पूरा कर सकते हो और साथ ही आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ाते हैं। मुकेश अंबानी का मानना है कि एक अच्छी टीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज ट्रू।
आज इतने बड़े इंसान को भी ये वो मानते हैं कि अगर अच्छी टीम है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, बिना अच्छी टीम के आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने अपलाइन और मैं अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं हूँ। सो रियली मुझे बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ मैं अपने फाउंडर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए दिया। अगर आज ये प्लेटफॉर्म नहीं दिए बनाया होता बाली सर ने, दीपक सर एंड दीपक सूद सर एंड वीर कन्वर सर, अगर ये तीनों मिलके जो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए लेकर आए हैं ना, आई रियली मैं बोलती हूँ कि थैंक गॉड, सच में भगवान का अवतार है कि आज हम लोगों की जिंदगी इनसे इन वो इन लोगों की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। त्वरा मैम एंड प्रियंक सर को मैं, मेरे ग्रेट अपलाइन है, थैंक यू सो मच, बहुत डायनामिक लीडर्स हैं। त्वरा मैम तो बिल्कुल मुझे एकदम बारबी डॉल की तरह लगती है यार, मेरी ग्रेट अपलाइन, मुझे इतनी खुशी होती है उनको देख के यार, कितनी क्यूट लगते हैं बिल्कुल। और यहाँ मैं बात करूँ पारू मैम एंड किरण सर, रियली मेरे ग्रेट गुरु, मेरी गाइड लाइन, मतलब हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मुझे कभी इरिटेट नहीं होते, कभी अगर किसी भी बात की क्वेश्चन में पूछ लू ना सर ऐसा, तो रियली मुझे बहुत अच्छे से समझाया, उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा भी है और सर जानते भी हैं। मैं आज भी मैं रियली मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहती हूँ किरण सर पारुल मैम, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, हमारे गुजरात मतलब बोलते हैं हमारे गुजरात में लाने वाले जो वेस्टीज गए हैं ये हमारे महान लीडर हैं। थैंक यू सर अश्विनी सर, प्रतिभा मैम आउटस्टैंडिंग लीडर हैं, मैं बहुत सारी चीजें प्रतिभा मैम से मैंने सीखी है, मैं उनको फॉलो भी करती है, बहुत सारी चीजें उनको देख के ऐसा लगता है अगर प्रतिभा मैम इतना पावरफुल कर सकते तो हम भी नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि मैम में भी तो एक जिद है आगे बढ़ने की, जिद की, तो हम भी तो उसी जिद के साथ काम कर सकते हैं। अश्विनी सर थैंक यू सो मच, ये मेरे बोलू ना तो ये मेरे ग्रेट गुरु जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आई रियली टू बिग थैंक्स पूजा मैम, जिग्नेश सर, रियली पूजा मैम मेरी कजिन सिस्टर है, मेरी फैमिली मतलब मुझसे छोटी है पर वेस्टीज में वो मेरी गुरु है, मैं हमेशा उससे सीखती हूँ क्योंकि मेरा मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस उनका है, तो मैं हमेशा उनसे सीखते रहती हूँ। जिग्नेश सर में इतना पावरफुल मोटिवेशन भरा होता है कि किसी भी काम के लिए वो हमेशा कहते नहीं तुम तो कर ही लोगे और तुम कर ही लोगे, हो ही जाएगा, मतलब हमेशा इतना मोटिवेट करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप हो ना आप कभी हार नहीं मान सकते, अगर ऐसे गुरु आपकी लाइफ में हो तो आप कैसे हार मान सकते हैं। ये पिक को मैंने यहाँ पे रखा, ये पिक मुझे 2019 में जब नवंबर दिसंबर में जब VLC हुई थी सूरत में, मैं इसके बारे में बताऊं तो कमिटमेंट की जब मैं बात करूँ ना तो मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में किसी भी वक्त में हॉस्पिटल जा सकती थी, किसी भी वक्त कभी भी मुझे लेबर पेन शुरू हो सकता था, पर मैंने 2 दिन की VLC ट्रेनिंग अटेंड की क्योंकि उस वक्त भी मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरा सीखना जरूरी है, मेरा सीखना जरूरी है। मैंने देखा कि मेरे गुरु 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे मेरा ख्याल जितना मेरे हस्बैंड नहीं रख पाते ना उतना ख्याल 2 दिन की ट्रेनिंग में मेरे अप्लाइड मेरी टीम ने मेरा रखा। रियली मैं रो देती हूँ कि जब मैं सर के पास खड़ी हो रही थी कि सर मुझे आपसे फोटो खींचना, सर बोले नहीं नहीं आप बैठो, मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, आपको उठना नहीं है। मुझे आज भी याद है त्वरा मैम, प्रिया सर, मैनेजमेंट ने भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बलवानी सर थे वहां पर, प्रियांक सर और त्वरा मैम ने बहुत अच्छे से मेरे लिए थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत सारी उनकी लाके रखी हुई थी, जब मैं वॉमिटिंग जैसी फील हो रही थी उस टाइम पे तो इमलिया मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी, तो थैंक यू त्वरा मैम आपने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा था कि बहुत सारी इमलिया के पैकेट आपने मेरे लिए लाके रखे हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिरेन सर की मैं बात करूं, जब मैं वहां पे लंच के लिए थी तो हिरेन सर ने वहां पे मेरे लिए तुरंत ही टेबल भी लाके दिया, लंच की थाली जिग्नेश सर ने लाके दी,
तो जितना तो मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं रखते उतना 2 दिन तो मेरे गुरु ने, मेरी टीम ने, जो मेरे टीम के लोग थे, हिरल बेन, मीता बेन और भी काफी लीडर्स थे मेरी टीम से, तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से केयर किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। सो कमिटमेंट की मैं बात करूँ तो मुझे इतना, मैं वहां पे फ्री थी कि अगर मुझे लेबर पेन शुरू भी हो गया तो मेरे पास वहां पे खड़ी हुई थी वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, सबको को, हर कोई कार खड़ी थी, तुरंत ही 10 मिनट में मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देती थी। बट कमिटमेंट लेवल, सुबह 9 बजे से बैठना, मुझे उस टाइम पे डॉक्टर ने मना करा था कि अब ज्यादा देर मत बैठना, तकलीफ हो सकती है, पर मैंने अपने अंदर विश्वास किया कि मुझे सीखना है। पता नहीं बेबी होने के बाद शायद मैं 1 साल अपनी ट्रेनिंग अटेंड ना कर पाऊँ, तो मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। मुझे पता है मुझे क्या तकलीफ महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह लगातार आप 9 बजे से बैठे हो, शाम के 6 बजे तक आप लगातार उस सिचुएशन में बैठे हो, मैं वो पेन महसूस कर रही थी। पर मैंने ट्रेनिंग के लिए, मुझे समझ में आ रहा था कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, 2-3 लगातार मैंने उस ट्रेनिंग को टाइम दिया। तो जिस दिन आप लोगों की कमिटमेंट पावरफुल होंगे ना, लाइफ में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोके। ये मेरा बड़ा बेटा है समर्थ, और ये मेरी छोटी गुड़िया, अभी 7 मंथ अप्रोक्सीमेट हुई, 7 से 8 मंथ की है ये। बड़े बेटा 8 साल का होने के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया थी कि पहले ही बेटे को मतलब घर में बंद कर करके जाती थी, तो अभी भगवान ने इसको दूसरी बार माँ बनने का मौका क्यों दे, लोगों ने इस तरीके से भी बात करना शुरू कर दिया था कि बेटा 8 साल का हो गया, अभी दूसरी बार माँ बनने का अवसर तो इनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही बेटे को घर में बंद करके जाती थी, इतना बच्चे के साथ कठोर रहती थी। थैंक्स टू वेस्टीज, वेस्टीज की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों को मैं रिजल्ट दे चुकी थी, तो मैंने भी LRG9 और ये सारी चीजें लेना शुरू किया, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी हम दो हमारे दो होने चाहिए बेटा आपको, तो मैंने LRG9, फ्लैक्स ऑयल, वैसलीन टी, कुछ चीजें ऐसी ली थी जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी का रिजल्ट आया, और देखो ये क्यूट सी गुड़िया मेरी है जेनी का। तो यहाँ पे मुझे वेस्टीज की बदौलत मेरा दूसरा बेबी भी मुझे आया, सो थैंक यू। ये गोवा के पीक में मेरा बेटा जिस माहौल मतलब घर में बंद रह के जो हमेशा रोता था ना, आज वेस्टीज की बदौलत देखो तो कितना खुश था वो गोवा की ट्रिप में। बहुत जल्द हम लोग फॉरेन ट्रिप पे भी निकलने वाले हैं। विश यू वेल, थैंक यू सो मच सर। 2 मिनट में एक बोलना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। प्लीज 2 मिनट का टाइम मैं ले रही हूँ कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना न कभी अकरता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच माय ऑल लीडर्स एंड थैंक यू सो मच। शायद मैं आपकी जिंदगी में, अगर किसी की भी जिंदगी में बदल दी आज मेरी स्पीच के साथ, अगर 2 मिनट में भी किसी की जिंदगी में अगर बदलाव हो रहा है या होगा,
उनके जिंदगी में अगर मेरा 2 मिनट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ना, तो रियली मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं आपको टच कर पाई, आपको छू पाई। आज वेस्टेज की बदौलत मेरे पास मारुति सियाज कार भी है, 2.5 लाख प्लस की है, 80,000 प्लस का चेक मैंने स्टार लेवल पे लिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अश्विनी सर, हिरेन सर एंड माय ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच, माय ऑल टीम्स मेंबर, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच। और सारे पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी एकदम से निकलना शुरू करिए, क्योंकि बातचीत हम वंदना जी से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हम करना चाहते हैं वंदना जी से, क्योंकि वंदना खेंगार का कमिटमेंट वो मेरी टीम से है तो मुझे पता है, और मुझे पता है तो मैं इनसे मोटिवेट होता हूं और मैं मोटिवेट होके आगे बढ़ता हूं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इनसे मोटिवेट हो और आप सब भी आगे बढ़ो, राइट? सो वन्ना जी, कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो महीने में जितना आप कमा रहे हो उतना नहीं कमा पाते हैं, आप एग्री करते हो मुझसे? यस सर। मतलब पढ़ाई होने के बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पाते हैं, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए एजुकेशन यानी कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसा कैसे कमाया जाए उस एजुकेशन अगर आपके पास आ जाए तो आप 100% पैसा कमा सकते हो? आप सहमत हो वंदना जी? यस सर। राइट, क्योंकि आज हमारी टीम से कोकिला मैम, सात चौपड़ी, गुजराती मीडियम में पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर हम बात करें कोकिला मैडम की तो वो करीबन 70,000 प्लस की इनकम ले रहे हैं और आने वाले टाइम में 1 लाख प्लस की भी इनकम लेंगे, राइट? तो उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने एक ही चीज सीखी कि पैसा कमाने के लिए वेस्टेज में मुझे क्या करना है, दैट्स इट। ओके, सो वन्ना जी मुझे एक चीज बताइए कि आपके कमिटमेंट लेवल मुझे पता है और बिल्कुल आपके टॉपिक के साथ मैच भी कर रहा है कि कमिटमेंट फॉर सक्सेस। तो आपने बहुत सारी चीज आज बताई, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जब आपके हस्बैंड ने, क्योंकि बहुत सारी लेडीज है जो जिसके पास इतना करेज नहीं होता है जितना करेज आपके पास है, आप ये बोल देते हो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पास 2 चॉइस रखी थी कि या तो आप मुझे चुनो या फिर वेस्टीज को चुनो, और ये कोई मतलब कहता है ना कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, राइट? तो जब अग्नि परीक्षा सीता जी को देनी पड़ी तब उनको पता होगा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप मुझे बताइए, हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके ऊपर तब कैसा मतलब फीलिंग क्या आ रही थी आपके अंदर, क्या मतलब आपको फील हो रहा था जब आपके हस्बैंड ने आपको चॉइस दे दी, क्योंकि आपका बच्चा भी छोटा था और आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो आपने मतलब क्या फील करते थे, क्या चल रहा था आपके अंदर? सर, चल तो यही रहा था कि कैसे कर पाऊंगी, पर अपनी सिस्टर को जब मैं देख रही थी पूजा मैम को, तो भरोसा था खुद पर कि मैं कितनी भी मेहनत अगर करनी पड़े ना मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर मेरी सिस्टर सफल हो सकती है और वेस्टीज में इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं, सो डेफिनेटली मैं अपने कमिटेड से पीछे नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर हस्बैंड की बात सुन लेती तो शायद 4 दीवारों में रह जाती, शायद ये जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं हो पाती। हाँ, तो वो आपका विजन था। यस सर। राइट, लेकिन और वो उनको छोड़ने के बाद जो स्ट्रगल आया ना वो बहुत तकलीफ वाला था, क्योंकि खुद को ही, बच्चे को भी मैनेज करना था, मम्मी को भी देखना था कैसे मैनेज करेंगे क्या करेंगे,
क्योंकि मैंने वेस्टिज को इतना पावरफुल एज अ करियर लिया था कि मैं अपना पार्लर जब चला रही थी वो भी मैंने छोड़ दिया था, मैं ट्यूशन क्लास चला रही थी वो भी मैंने छोड़ दिया था. सो आई वो बहुत तकलीफ वाला था. और आप लोगों के लिए शायद आज एक सक्सेस स्टोरी है वंदना खेंगर, पर मैंने उस लम्हे को जब जिया है ना तो मुझे पता है बिल्कुल मैंने वो लम्हा कैसे जिया. बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, वो फीलिंग को भी समझ सकता हूँ, और कैसे आपने वो दिन निकाले होंगे वो भी मैं समझ सकता हूँ. ये क्यों मैंने सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज के लिए बहाने होते हैं, मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं, मेरे बच्चे मना कर देते हैं, मेरी सास मना कर देती है, राइट, या फिर अपने ऊपर ब्लेम कर लेते हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ. तो आप एक मिसाइल हो, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई एक ऐसे हमारे आइडियल पर्सन होने चाहिए जिसको हम देख के आगे बढ़ सकते हैं. तो आपने बिल्कुल पूजा जी को देख के आगे बढ़े, राइट? राइट. और पूजा जी का भी अगर कमिटमेंट देखने जाए तो आज वो ऐसे ही मतलब 285,000 नहीं ले रही है, 100% राइट सर. आज वो ऐसे ही BMW में नहीं घूम रही है, उन्होंने भी बहुत बड़े बहुत करीब से देखा है सर उनका स्ट्रगल, क्योंकि मुझे भी पता है छोटे बच्चे को गोदी में डाल के. एग्जैक्टली. तो आपकी बिल्कुल वो जो लास्ट में आपने वो जो कविता सुनाई उसके साथ बिल्कुल वो मैच हो रही है, राइट, आपकी स्टोरी, राइट सर. आप मुझे बताइए कि COVID-19 के करके आज ये जो पैंडेमिक जो अभी चल रहा है हमारे जीवन के अंदर सिचुएशन है उसके अंदर आपके हस्बैंड की जॉब नहीं है, राइट सर. अब उनकी क्या फीलिंग है जब जॉब नहीं है और वेस्टीज से इनकम आ रही है, तो अब उनका मतलब क्या रवैया है, क्या सोच है, क्या फीलिंग है उनकी? अभी सर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि सारे फ्रेंड्स को वो फोन करते हैं, रिलेटिव्स को बोलते हैं, यार अच्छा हुआ मेरी वाइफ ने वेस्टीज कर लिया, वरना आज तो पता नहीं प्रॉब्लम हो जाती. क्योंकि आज भी लगातार सर 70,000 का चेक मेंटेन हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. तो आज मतलब वो हैप्पी फील कर रहे हैं आपके हस्बैंड? बहुत बहुत सर प्राउड फील करते हैं आज, राइट, गुड. और मुझे आप बार बार ये बोलते थे कि मेरे बच्चे को मेरे को कार गिफ्ट करनी है, कार गिफ्ट करनी है, तो आप मुझे बताइए कि आपने गाड़ी कब ली? मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे लास्ट कार कार्निवल पे, मतलब कार तो ऑलरेडी मैंने 4 महीने पहले ही बुक कर चुकी थी. Exactly. और मुझे सीधा अपने बेटे के बर्थडे के दिन ही अपने दरवाजे में लानी थी, और मैंने उसी के बर्थडे के दिन में अपनी कार लेकर आई. आज मेरा बेटा इतना प्राउड होकर पूरी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरी मम्मी मुझे कार गिफ्ट करती है बर्थडे पर, आपकी मम्मी कर सकती है? तो मुझे ये समझ में आता है कि क्यों हमारा बच्चा दूसरों को इंस्पिरेशन रोल मॉडल चुने, क्यों ना हम ही वो करके दिखाए कि हमारे बच्चे हमें ही अप्रिशिएट करे और हमें ही रोल मॉडल करे. बिल्कुल. और आपके बच्चे की उम्र क्या होगी अभी? सर वो 3rd standard में है और करीबन 8 से 9 साल का है, 10 साल का करीब. है कि 8 से 10 साल का बच्चा क्या सोचता है, और आपके घर के अंदर आप देखिए कि आपके भी बच्चे हैं, किसी के 10 साल के होंगे, किसी के 15 साल के होंगे, किसी के 18 साल के होंगे, वो क्या सोचते हैं? राइट सर. एज अ पेरेंट्स हम जो सोच देते हैं ना हमारे बच्चे को, वो सोचते हैं. तो एज अ पेरेंट्स हम ये बता सकते हैं कि जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, तो वही सोचेगा. या फिर हम ये सिखा दे कि बेटा गाड़िया में कैसे घुमा जाता है. सर अभी मेरा बेटा ना अपनी मासी की BMW देख के मम्मी BMW कब आएगी, अब मुझे उसी पे दौड़ा रहा है. वेरी गुड. तो अच्छी बात है ना, राइट, मतलब उसकी सोच बड़ी हो रही है ना, आप सोचो. राइट सर. आपने उनकी सोच को बड़ा किया है, राइट. अब आप मुझे बताइए कि आपका नेक्स्ट क्राउन का गोल कब है? नेक्स्ट क्राउन का गोल सर, मैं डायमंड पे पहले 1.5 से 2 लाख का चेक ले लूं बहुत जल्द, और तुरंत फिर क्राउन करती हूँ, वो भी हेल्दी क्राउन. बिल्कुल. तो बिल्कुल आप डायमंड के ऊपर कब इनकम ले रहे हो 1.5 लाख रुपया? सर दिसंबर से जनवरी का गोल है, हो जाएगा दिसंबर 2000 से जनवरी तक. हाँ 2020
दिसंबर 2020 या जनवरी 2021? राइट सर। ओके, आपके पास डिजाइन है? यस सर। वेरी गुड, तो बिल्कुल आपके अपलाइन ने जो आपको डिजाइन बताई है उस डिजाइन के ऊपर काम करिए तो हो जाएगा। राइट सर। क्योंकि आपके कमिटमेंट के ऊपर तो कोई शक है नहीं हमें। राइट सर। अब यहाँ पर क्या सीखना है, जितने भी लोग अभी बचे हैं, करीबन 150 लोग, कि पैसा अगर आपको कमाना है तो आपके अपलाइन से जितना पैसा कमाना है उसकी डिजाइन आपको डिमांड करनी है। आपके अपलाइन को पता नहीं है आप कितने में खुश हो, आपके अपलाइन को पता नहीं है आप कितने में खुश हो, आप 10,000 में खुश हो या 20,000 में खुश हो या 50,000 में खुश हो, आपके अपलाइन को नहीं पता। आपको बोलना पड़ेगा, जितने भी 150 लोग हैं आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास बैठना पड़ेगा कि मुझे 1,00,000 चाहिए। अगर मैं बात करूं धर्मेश की, तो धर्मेश खुश था पहले, 60-70,000 आ रहा था, अचानक से एक दिन बोला कि मुझे 1,00,000 चाहिए, बताइए क्या करना पड़ेगा। आज 1,00,000 आ गया उसका पिछले महीने। राइट सर। अब धर्मेश को मैंने बोला भैया तेरा 1,00,000 आ गया, अब क्या करना है? बोला नहीं सर, 1,00,000 तो नहीं चाहिए। बोला वापस 40 पे जाना है क्या? तो बोला नहीं 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 नहीं, अब 2,00,000 कैसा है वो बताओ मुझे। तो डिमांड करो अपलाइन से और उस डिजाइन के ऊपर काम करो जो अपलाइन आपको डिजाइन बताती है। फेथ रखना है आपको अपनी अपलाइन के ऊपर। राइट। सो गुड, और मुझे अच्छा लगा कि आपने डायमंड पे 1,50,000 का चेक का गोल रखा है, लेकिन क्राउन फिर भी एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम क्राउन के ऊपर आती है। ओके सर। तो क्राउन का भी आप गोल बना लीजिए अपलाइन के साथ बैठ के। यस सर। मैडम के साथ बैठ के। आपका नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है आउट ऑफ इंडिया घूमने का? सर स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो? ओके। कभी देखा है आपने स्विट्जरलैंड का वीडियो वगैरह देखा है आपने? हाँ सर, फिल्मों में देखा है। फिल्मों में देखा है, उसका अलग से कोई वीडियो देखा है आपने? अलग से मतलब यूट्यूब पे देखते हैं। देखा है ना, वो फील करो आप। यस सर, विद फैमिली जाना है। हाँ, और क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो मैं स्विट्जरलैंड तो नहीं गया था, लेकिन हम लोग जब ऑस्ट्रिया जर्मनी गए ना, तो अश्विनी सर, प्रतिमा मैडम, नीलिमा जी, उन लोगों ने हमें महसूस करवाया था कि हिरेन भाई ये नेक्स्ट टू स्विट्जरलैंड है, मतलब स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, यहाँ पर भी आप मतलब वो मजे ले सकते हो। तो इतना बढ़िया मुझे फील हुआ कि चलो मैं स्विट्जरलैंड भी घूम लिया, ऐसा मेरे को अंदर से फील हो रहा था। राइट। सो वेरी गुड। और आप हमें बताइए कि आप अपनी टीम के अंदर नेक्स्ट किसे क्राउन देख रहे हो? सर बड़ा मुश्किल सवाल कर रहे हो। बिल्कुल, और ये लीडर मुश्किल होना भी चाहिए और लीडर का फोकस होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट क्राउन कौन है। और मैं एक चीज जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि आपने कमिटमेंट लेवल जो आपने बताया है कि कमिटमेंट फॉर सक्सेस, राइट, तो आपने जिया हुआ है, अपने कमिटमेंट के साथ आप जी रहे हो, तो आपको पता लग जाता है कि मेरा कौन नेक्स्ट क्राउन, क्योंकि कमिटमेंट के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। केवल वेस्टर्न करके या बोल देने से कि मुझे क्राउन होना है, मुझे क्राउन होना है, कोई नहीं हो सकता है। राइट सर। आपको नेक्स्ट चाहिए? यस सर। नेक्स्ट राउंड की बात करूं तो मुझे गायत्री बेन नील, ओके, वेरी गुड, और मनीषा बेन शर्मा, वेरी गुड। तो आपने नाम लिखा है अपनी डायरी में मनीषा बेन शर्मा? यस, गायत्री बेन नील का पहले ही लिखा हुआ है। सर नाम की मैं बात करूँ तो मेरे सारे ही लीडर इतने पावरफुल है सर कि बस जिस तरीके से मैं कमिटेड हूँ ना, मेरी टीम के सारे लीडर्स इतने ही कमिटेड है। मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता है तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर, बहुत मुश्किल है। क्राउन की बहुत नजदीक जो पहुंचे हैं वो भी गायत्री बेन नील और मनीषा दी शर्मा जो है वो क्राउन के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। हेतल बेन भी है, सुधार, तो कुछ ये 3-4 लीडर जो मेरी टीम से मुझे दिख रहे हैं वो क्राउन के बहुत नजदीक हैं, और बाकी तो बहुत सारे लीडर्स क्राउन और एम्बेसडर के लिए मेरी टीम में आया है। सारे लोग अपने डाउनलाइन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे क्राउन से। मेरी टीम का अगर 5% मेंबर भी है ना तो वो भी मेरे लिए एम्बेसडर है सर। सर एक
सर लंदन, सर यूके से एक सर जुड़े हैं। दिग्नेश भाई क्या नाम है? सर अनिल सर, मैंने देखा वो वीडियो भी ले रहे हैं। अनिल सर जुड़े हैं तो क्या उनको अनमुट कर सकते हो? आज उन्होंने बोला था कि आज का मीटिंग, तो क्योंकि वहां पे अभी तो साढ़े दस अभी टाइम ओवर हो रहा है, वहां पे करीब रात शाम के 7 बजे होगी शायद। यूके में मैंने देखो लॉकडाउन में अपना यूके में भी नेटवर्क बिल्ड कर दिया, लोगों के पास इतने सारे बहाने होते हैं। पर मैंने अनिल सर अभी है नहीं, शायद कोई दूसरे नाम से ज्वाइन है, अनिल सर दिख नहीं रहे। अनिल सर बारिया नाम से तो नहीं दिख रहा। ओके ओके सर, वो मुझे पता है कि आपने लंदन, मतलब ये देखिए समझने वाली बात, जो भी अभी 141 लोग हैं, कि आप लोगों के लिए इंडिया के अंदर या बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वन्ना खेंगार जी ने क्या किया है कि लंदन से स्पॉन्सर किया है, अभी तक लंदन में बिजनेस नहीं गया है, लेकिन वो लंदन का जो बंदा है वो यहाँ पर हर ट्रेनिंग हर मीटिंग्स के अंदर वहां से जूम के ऊपर लेता है, और यहाँ पर जूम के ऊपर वो मीटिंग भी देते हैं, और मीटिंग देते देते इंडिया के अंदर वो अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, जबकि वो इंडिया के अंदर नहीं है, वो लंदन में है। यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप अगर एक बार थान लेते हो तो सब चीज पॉसिबल है, और ये बिल्कुल आपके कमिटमेंट के पीछे आता ही है, राइट? तो दोस्तों आज आपने वन्ना खेंगार को सुना, आपको बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा, आपको बहुत सारी चीज आज ऐसी भी जानने को मिली होगी जो पहले काफी लोग नहीं जानते थे, और आज अगर वो 80,000 ले रही है तो वो ऐसे ही नहीं ले रही है, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल भी है, राइट? सो आपसे भी वो चैलेंज आएगी, आपसे भी वो सारी चीजें डिमांड होगी, क्योंकि कुदरत परीक्षा लेती है, कुदरत कोई भी चीज ऐसे ही नहीं देती है, ऐसे ही नहीं देती है, वो सबसे पहले परीक्षा लेगी कि आप सही में उसके काबिल हो क्या, और उसके बाद अगर आप उस परीक्षा के अंदर पास होंगे तो कुदरत फिर आपको दिल खोल के देने वाली है, राइट? सो थैंक यू सो मच वन्ना जी, आज आपने बहुत बढ़िया सेशन लिया, और मैं आज अश्विनी सर से बताना चाहूंगा कि आप आगे का जो भी अपना एजेंडा है, जो भी है, वो आप बताइए कि क्या है आगे का। सो ओवर टू अश्विनी सर। थैंक यू हिरेन भाई, और सबसे पहले एक शानदार आपके प्रेजेंटेशन के लिए, एज ए होस्ट आपने जो आज का ये जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था वो बहुत अच्छे से आपने निभाया, उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग तो बनता ही है, जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं जानता था कि हमेशा से मैं कभी भी अगर हिरेन भाई को कुछ भी बोलता हूँ तो वो उन सब चीजों में खरे ही उतरते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी से वो सारी चीजें निभाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें सबको उनसे सीखना जरूरी है। दूसरी चीज मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अपलाइन से लोग इंस्पायर करते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आप अपनी टीम के लोग जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनसे भी बहुत इंस्पायर होते हैं। और इस सीक्वेंस में मैं नाम लेना चाहूंगा वंदना जी का। मैं जब जब, हालांकि बात ज्यादा कभी नहीं हो पाती, कभी कभी होती है, लेकिन जब जब बात होती है तो मेरा भी जो है मोटिवेशन से सारा भर जाता है माइंड, और ऐसा लगता है वाह क्या बात है। और आज जिस तरीके से उन्होंने ये सब बताया, तो मैंने तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब उनका VLC में वो सेशन सुना था, उस समय मेरी आंखों में अभी आंसू थे, और इसलिए मैं बहुत समय से चाह रहा था कि इस तरीके का सेशन उनका हो, और आज बहुत खुशी है कि वो सेशन हम आप सबके सामने भी रख पाए। वंदना जी आप बहुत कमिटेड लेडी हैं, और आपके लिए क्राउन ये सब कोई बड़ा लेवल नहीं है, मैं आपको बहुत आगे देख रहा हूँ, उससे भी आप UCD DCD DUCD भी करोगे, क्योंकि आप आपके अंदर एक निश्चय करने की शक्ति है। निर्णय के बाद एक ऑप्शन आता है निश्चय, निर्णय तो बहुत लोग कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ खत्म होता है फिर कहते हैं अगले महीने करेंगे,
लेकिन अगर जो लोग निश्चय कर लेते हैं ना वो लोग इसी तरीके के होते हैं। और आपने अपने प्रेजेंटेशन के बीच में बोला कि मैं बेटे को लॉक करके चली जाती थी, ये सारी कहानी, ये वाला पार्ट एक्चुअली प्रतिभा से बहुत मिलता जुलता है। मैंने कई बार ऐसा एक्चुअली प्रतिभा ने किया था जब प्रियांशु छोटा था मेरा सन, तो वो इस तरीके से ही बाहर जाती थी और लोग उस समय बोलते भी थे, लेकिन देखिए 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम ऐसा करके बेटे की पूरी जिंदगी अच्छी बनानी हो तो जो है ये करना भी कोई गलत नहीं होता। आज आप तभी अपने बेटे को कार गिफ्ट कर पाए, अगर आप ये सारी चीज अगर सोच लेते कि ऐसे कैसे करूं, ये है जैसे ज्यादातर केस में लोग यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ा सा आप बच्चों को बताएं कि अगर आप आज काम कर रहे हैं तो वो सारा का सारा उनके लिए ही कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं देने के लिए कर रहे हैं। जिंदगी में ऐसा नहीं हो कि हम पैसे की वजह से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करें, तो वो सारा काम अपने करके दिखाया। बहुत ही शानदार आपकी जर्नी रही है और जो स्ट्रगल था वो निकल गया। अब तो आपका समय तेजी से मल्टीप्लाई करने का है बिजनेस, तो थैंक यू सो मच। आपके प्रेजेंटेशन को बहुत मैंने आज, मतलब आपका भले ही इसमें तकलीफें थी लेकिन हमने उसको बहुत जो है अच्छे से समझा, और जो भी लोग अभी बचे हुए रह गए वो लोगों को जरूर कहीं ना कहीं अंदर से अपने क्लिक किया होगा कि हम भी क्यों ना इस अपने वेस्टीज को एज ए कैरियर सीरियसली लेकर के कुछ ना कुछ करके दिखाएं। और जब हम करेंगे तो ना केवल हमें तालियां मिलेंगी बाकी हमारी पूरी जिंदगी जो है एकदम से बदल जाएगी और वो सारी चीजें हो जाएंगी जो आज हमें कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सी दिखती है। तो फ्रेंड्स, आज अभी विदाई लेने से पहले मैं चाहूंगा कि आगे का अनाउंसमेंट करें। नेक्स्ट मंडे यानी आज 12 तारीख है तो नेक्स्ट मंडे होगा 19 अक्टूबर को हमारे बीच में जो है आने वाले हैं मिस्टर जिग्नेश खेंगर एंड पूजा खेंगर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। दो कार उन्होंने अचीव किए जिसमें से एक लग्जरी कार है सियाज, मारुति सियाज और BMW GT, तो उनकी सफलता की कहानी सुनेंगे। वो हमारे सुपरस्टार सीरीज में आने जा रहे हैं, उनकी जवानी करेंगे। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, हमें सबको पता है लेकिन बहुत सारे लोग को शायद नहीं भी पता है, तो हम सबके सामने शेयर करेंगे और देखेंगे कि आज जिंदगी किस तरीके से उनकी बदली और आज उनके लिए स्काई इज द लिमिट सिर्फ वही रह गया है। और फ्रेंड्स, आने वाले थर्सडे में हमारे साथ होने वाले हैं मिस्टर मोहन पटेल। तो उनका एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं, हाउ टू मेंटेन लेवल्स, कैसे लेवल को हम मेंटेन करें ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारे लेवल कहीं ना कहीं रह जाए। और साथ ही साथ थर्सडे को उनके होस्ट का अनाउंसमेंट भी कर देता हूं। उनके होस्ट है मिस्टर हीरेन दादावाला और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं आपको बताऊं कि हीरेन दादावाला एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, और वो अच्छा काम करने से पहले वो ये जिम्मेदारी भी निभाते हुए जा रहे हैं। थर्सडे को ये सेशन होगा, फ्राइडे से हीरेन भाई एकांतवास में जा रहे हैं कम से कम 10-12 दिन विपाशना के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर इंसान इस तरीके के कार्यक्रम में अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो देखिए तभी जिंदगी का सही मजा हमें देखने को मिलता है। कभी मौका लगेगा तो जरूर मैं भी इसका भागीदार बनने का ट्राई करूंगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हीरेन भाई, और अब हम मिलेंगे 15 तारीख को मिस्टर मोहन पटेल जी और हीरेन भाई के साथ। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू।